हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में कैसे हम अपना फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए फ्रेश प्रपोजल नोडल ऑफिसर को अप्लाई करते हैं, तो ऑनलाइन आप कैसे अप्लाई करते हैं, क्या डिटेल्स हैं जो आपको वहां भरनी होती हैं और क्या क्या जो है ज़रूरतें पड़ती हैं, तो इसके बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ब्राउज़र में जाके परिवेश पोर्टल खोलेंगे। तो यहाँ पे वेलकम टू परिवेश, यहाँ पे आप क्लिक करके तो ये हम परिवेश पोर्टल के यूज़र इंटरफेस पे पहुँच गए हैं। इसके बाद हम डाउनवर्ड स्लाइड करेंगे और प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट पे दो ऑप्शन आ रहे होंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन और लॉगिन। तो न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने पहले ही कैसे आप नए यूज़र को रजिस्टर करेंगे परिवेश पोर्टल पे, तो उसकी मैंने अलग से वीडियो बनाई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आप वहाँ पे यूज़र को रजिस्टर करके तो उससे जो है आपको पासवर्ड और लॉगिन आईडी मिल जाएगी। तो इसके बाद जो है हम यहाँ लॉगिन पे जाएंगे। लॉगिन में आपको इस प्रकार की यूज़र इंटरफेस दिखेगा और यहाँ पे हमें जो यूज़र टाइप है वो एप्लीकेंट सेलेक्ट करना है। एप्लीकेंट के बाद जो आपकी यूज़र आईडी है वो आपको यहाँ डालनी है और पासवर्ड जो आपका है वो भी आपको एंटर करना है। इसके बाद आपके पास यहाँ पे जो टेक्स्ट है उसे एंटर करके लॉग इन करेंगे, तो इसे ओके कर देंगे। तो शायद यहाँ पे जो है मैंने ठीक से नहीं डाला है, तो यहाँ पे आप कॉन्टेक्स्ट एंटर करेंगे 4KXU3 और इसके बाद आप लॉग इन कर देंगे। तो जैसे ही आप लॉग इन करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखेगा। यहाँ पे आपने कैंसिल कर देना है और इसके बाद जो है ये डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास आएंगे। तो यहाँ जो है आप अपना स्टेटस चेक करना हो माय प्रपोजल और इसमें, तो यहाँ सबसे पहले आप अप्रूवल्स में जाएंगे। अप्रूवल्स में भी आपके पास अप्लाई फॉर न्यू प्रपोजल और जो आपने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है वह उसको अगर आपको मॉडिफाई करना है तो ये वाला ऑप्शन है, और वैसे ही अलग अलग ऑप्शन हैं आपके पास यहाँ पे। तो हमारा अभी जो वीडियो है वो न्यू प्रपोजल से रिलेटेड है, तो हम न्यू प्रपोजल में अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आपसे कुछ इनिशियल क्वेश्चनरीज हैं। तो वेदर द प्रोजेक्ट रिक्वायर्स प्रायर ईसी अंडर आईईए नोटिफिकेशन 2006, तो ये आपके नो ही रखना है। तो हमें अपना ऑप्शन देखना है, वेदर द प्रोजेक्ट रिक्वायर प्रायर अप्रूवल अंडर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, तो इसके लिए हम अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे और इसमें फर्दर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि डज द प्रपोजल रिक्वायर अलोकेशन ऑफ फ्रेश फॉरेस्ट लैंड फॉर्म ए अंडर सेक्शन टू। तो हमें जो है हम फॉर्म ए में ही अप्लाई करते हैं, तो हम यहाँ पे दो ऑप्शन हैं, तो यहाँ पे इसे हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जैसे ही हम इसको सेलेक्ट करेंगे हमारे पास फर्दर ऑप्शंस दिखने शुरू होंगे। तो हम इसके बाद जो बेसिक डिटेल है हमारे प्रोजेक्ट की वो यहाँ पे डालेंगे, जैसे प्रोजेक्ट नेम, जो भी आपका प्रोजेक्ट का नेम है विद किलोमीटर्स, वो हमें यहाँ डालना पड़ता है। इसके बाद जो टोटल लैंड इन हेक्टेयर में यहाँ पे हम यूज़ करते हैं, तो कैसे हम रेवेन्यू पेपर से हेक्टेयर और हेक्टेयर्स में लैंड निकालते हैं, उसको बाइफ्रिकेट करते हैं फॉरेस्ट और प्राइवेट लैंड में, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है कि रेवेन्यू पेपर्स कैसे स्टडी करते हैं, तो इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है, आप वहाँ जाके उसको चेक कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स जो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है, आपके पास कोई भी स्कीम है जिसके अंडर आपको डाइवर्जन चाहिए होता है, तो उस स्कीम की उसे उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए कितनी कॉस्ट आती है, तो उसका हमें यहाँ पे डिटेल देनी पड़ती है। इसके बाद हमें जो
प्रोजेक्ट की लोकेशन है वो देनी पड़ती है। तो सबसे पहले जैसे हम यहाँ देखते हैं कि ये कहीं दो स्टेट्स में प्रोजेक्ट डिवाइडेड नहीं है, पर जैसे हमारा हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो यहाँ हम वन नंबर ही चूज़ करेंगे और स्टेट आपकी कौन सी है, जैसे हिमाचल प्रदेश हमारी, तो यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद स्टेट हिमाचल प्रदेश, तहसील और डिस्ट्रिक्ट जो है आप जैसे धर्मशाला चूज़ कर लीजिए, और तहसील, इसके बाद जो है यहाँ तहसील भी आपके पास शो होने लग जाएगी। तो यहाँ पे जो है आप देखिए, ये आपके पास ड्रॉप डाउन मेनू आ गया, तो इसमें जो है जो भी आपकी तहसील है उसे आप सिलेक्ट कर लीजिए। कुल्लू तहसील मैंने यहाँ सिलेक्ट कर ली, और उसके बाद जो है जो जिस विलेज के अंदर ये या जिस लोकेलिटी के अंदर ये आप प्रोजेक्ट में अपने अप्रूवल चाहते हैं उसकी डिटेल आप यहाँ एंटर करोगे और ऐड ऑप्शन में एंटर कर दोगे। इसके बाद हम प्रोजेक्ट बेनिफिट्स, कि जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो हम यहाँ डालेंगे। जैसे टाइप ऑफ प्रोजेक्ट बेनिफिट्स, तो यहाँ जो है हमारे सोशल बेनिफिट्स ज़्यादा होते हैं, हमारे जो डिपार्टमेंट होते हैं वो सोशल, जैसे जो पब्लिक है हमारी वो ज़्यादा बेनिफिट होती है। तो डिटेल ऑफ प्रोजेक्ट बेनिफिट, इसमें आप जो डिस्क्रिप्शन है अपनी वो आप एंटर कर सकते हो। इसके बाद फिर आप ऐड बटन पर क्लिक करके ये अपनी इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट डिटेल, एम्प्लॉयमेंट डिटेल में आप कितनी एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे जनरेट कर सकते हो, तो इसकी एक अलग कैलकुलेशन शीट है जो मैं फर्दर जो वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, तो मैंने बनाई हुई है एक्चुअली, तो उसे जो है आप जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में वहाँ से आपको डिटेल मिल जाएगी कि आप किस प्रकार जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की शीट बनाते हैं। सारी डिटेल भरने के बाद जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करोगे तो प्रपोजल नंबर जनरेट होगा जो फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपको नोट रखना है। यदि आपको नोटेड नहीं भी रहे तब भी आप यहाँ अप्रूवल पे जाके फिर यहाँ मॉडिफाई एंड अपडेट डिटेल्स यहाँ पे जाके फिर माय प्रपोजल फॉरेस्ट क्लियरेंस इस ऑप्शन में जाके व्यू एंड एडिट न्यू प्रपोजल, और आपने सबमिट किया था फॉर्म ए अंडर सेक्शन 2, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स जो आपका प्रपोजल है तो आप प्रपोजल नंबर जो है यहाँ पे एंटर करके उसको सर्च मार सकते हैं। सर्च करके इस तरह जो मेरे बाकी के फोल्डर हैं जो जनरेट कर दिए गए हैं, तो ऐसे आपके पास डिटेल आ जाएगी, और कैटेगरी और एरिया जो है वो हमने पहले ही उसमें डाल दिया था। तो जैसे ही आप अपना प्रपोजल नंबर सर्च करेंगे तो यहाँ पर वो शो हो जाएगा। Thank you.